कॉलेज आया तो इसका क्या मतलब बैग नहीं लेके आए? मतलब भोसड़े का तू कौन सा लेके आया? अबे मैं तो अपने खानदान को फॉलो कर रहा हूँ। मतलब मेरा दादा नहीं ले गया, मेरा परदादा नहीं ले गया, मेरा भाई नहीं ले गया, तो मैं कैसे लेके जा सकता हूँ? इसका मतलब तो मेरे को कॉलेज ही नहीं आना चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं? तो मेरे घर पे तो कोई गया ही नहीं है कभी पढ़ने। नहीं गया? नहीं। चल तेरे घर पे छोड़ दूँ। क्या? अरे छोड़ ना, क्या घर पे जाएगा? मैं क्या बोलता हूँ, नए स्टूडेंट आए वो लोग का वो करते है, क्या बोलते उसको रैगिंग? नया पक्का लड़की 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 भी होगी। चल देखते चल, इधर ही बैठते अभी, सब यहीं से आना जाना करेगा। क्या एक बंदा नहीं दिख रहा इधर, रैगिंग क्या घंटा करेगा? अरे आ ही रहा होगा कोई ना कोई, यहीं से आना जाना करता था। ये देखे, दो चुतिया रहा, ये दोनों को ले जा अपन। क्या? हाँ मैं थोड़ा पावर में बैठ जाता हूँ, ठीक है? हाँ, बैठ। ये देख तो, मेरे को देख के तेरे को डर लग रहा है ना? नहीं तो। अरे मैं नहीं डर रहा, लेकिन वो लोग डरेगा तो टेंशन क्यों ले रहा है? डरेगा ना, पक्का ना? देखते अभी यार, हम गार्डन में आ तो गए, ये फिजिक्स टीचर हमको देख ले तो अगर। अरे फिजिक्स का छोड़, बायोलॉजी का देख ले तो। ए वो दोनों को छोड़, हम दोनों ने तेरे को देख ले, इधर आ बे चूतिए। हाँ इधर आ, इधर आ। भारी आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है क्या? ऐसा लगा क्या? हाँ इधर आ, इधर आ, इधर आ, चलो दोनों इधर आ। फर्स्ट ईयर सही है ना? नहीं रुक, मैं बोलता हूँ। फर्स्ट ईयर? हाँ। ओए पांच पॉइंट स्टार के नाम बता। मिया खलीफा, सनी लियोनी, डेनी डेलियंस, पूनम पांडे, जेना जेम्सन। बस हो गया ना, अब चुम्मा लेगा क्या? हाँ तेज है रे, पांचों के पांच, अभी एक से एक। मैं एक को भी नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता, देखना पड़ेगा, लग रहा अच्छा है ये लोग का। हाँ तो अभी तू क्या करके दिखाएगा है? तू नागिन डांस करके दिखा। नहीं नहीं, इससे सुअर डांस करवाते हैं। वो कैसा होता है? आई डोंट नो। हाँ तू सुअर डांस कर और तू गाना गा। हाँ चल तू गा और तू डांस कर। हाँ जल्दी करो। हाँ नाचो। गुपचुप गुपचुप क्या गुगू क्या होता है? गुपचुप 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 गुपचुप। चल साला, ए साला क्या गाना गा रहा है रे तू? सब क्या गाना है रे? गुपचुप गुपचुप। हम लेकिन वो जो हीरोइनों का नाम बताया था वो लोग को देखना। चल 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 मार दे। चल लेकिन मजा आ गया नहीं आज? फुल मजा आया। क्या बोलता हूँ, आज अपन चलते वो पांच स्टारों को देख लेते, कल बाकी का करते, क्या बोलते? अरे यार बैठे बैठे क्या करेगा, कॉलेज का कुछ काम दिया है पेड़ लगाने का, नहीं अगर करेंगे तो फेल हो जाएंगे। चल वो तो चली गई, छोड़ ना। अरे यार छोड़ यार, वो किसी और को लाइक करती थी, तेरे को नहीं करती थी, इसलिए उसके पास चली गई। चल पर हमारे कॉलेज का काम दिया यार, वो तो कर लेना चाहिए ना। फेल हो जाऊंगा। तू तो करेगा नहीं, मैं ही कर लेता हूँ, तू उसकी याद में बस वैसे ही बैठा रहा है। चल मुझे छोड़ के चली गई अकेले। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, आगे नहीं आता। तू तो करेगा नहीं साला, मेरे को ही करना पड़ेगा। देर जा जैसा बैठा रे, तू तो फेल होगा, तेरे को कोई गम नहीं साला। मेरी मम्मी कितने मेहनत से पढ़ने को बोली, साला फेल हो गया तो साला मेरी माँ क्या क्या बोलेगी पता नहीं चल रहा है। साला पूरा दिमाग का भोखला हो गया है, तू पता नहीं यार। तू मदद कर ना यार, एक तो जमीन स्कीम ना, ठीक है? उठ भी गया तो साला ये नहीं सोच रहा इधर उधर घूम रहा है, दोस्त की मदद कर दूं, वो साला अकेला परेशान है, एक बेताल आत्मा की तरह घूम रहा है इधर उधर। ओहो इसकी तो ये पेड़ भी साला खड़ा नहीं हो रहा है, और ये मेरा दोस्त खड़ा है तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये भी कोई बात है यार। हुआ क्या है, कुछ तो बोल। चुतिया जैसा घूम रहा है इधर उधर, कुछ बोलेगा तभी तो पता चलेगा ना। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? अच्छा सा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मैं रोना चाह रहा हूं पर रो नहीं पा रहा हूं। ये अंदर बहुत सारा दर्द भरा हुआ है, दर्द और गुस्सा भी है, पता नहीं चल रहा है ये कैसे निकलेगा, पर इसको निकालना है बाहर। पता नहीं तू ही बता, करूं तो करूं क्या मैं? तेरे को गुस्सा आ रहा होगा ना? हाँ। इसको मारने का मन कर रहा होगा, वो दौड़ने का मन कर रहा होगा।
जेल है, जितना भी तेरे अंदर गुस्सा है ना सब भरा, सब निकाल, सब बोल डालो, सब खोज डाल, सब के सब। क्यों होता है सब, क्या गलती है मेरी? अरे गन लगा के मार, जोर से मार, पूरा गुस्सा निकालना है तेरे को। साला दिखता नहीं उसे, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, साला उसके सैम्स के नोट्स मैंने लिखे थे भाई, जबकि मेरे कोई और लिखता है। और जोर से मार, पूरा गुस्सा निकाल दे, एक मिनट। पूरे दिल की भड़ास निकाल ले, पूरा तेरे अंदर जितना गुस्सा भरा है ना इससे पूरा निकाल दे, खोद खोद के इस जगह को कुआं बना दे। चल मेरे भाई, साला 4 साल हो गया, इतनी तैयारी तो मैंने बोर्ड्स के लिए नहीं की थी, जितनी तैयारी उसकी असाइनमेंट लिखो। अब काम खत्म हो गया, अब मेरी माँ खुश हो जाएगी, मैं पास हो गया। फोन ये तो अंजलि का फोन है। हेलो, हाँ बेबी, 200 समोसा हमें लेके आ रहा हूँ, 200 समोसा ठीक। क्या बोल रही है? 200 समोसा लेके जाएगा। तो ऐसे होते हैं हमारे यहाँ के दोस्त, चाहे लड़की इनके साथ कितना भी बुरा कर ले, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो कुत्ते की दुम होते हैं जो कभी सीधी हो नहीं सकती। उसके बाद इनको आता है गुस्सा, वो भी बहुत भयंकर वाला, जैसा कि आपने अभी देख ही लिया होगा। थोड़े देर के लिए गुस्सा रहता है, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद अगर उस लड़की ने एक कॉल कर दिया ना कि जानू मुझे चॉकलेट चाहिए, तो फिर ये माँ से कहीं से भी जाके चाहे अपनी मरानी क्यों ना पड़े या फिर किडनी क्यों ना बेचना पड़े, चॉकलेट कहीं से भी लाके देंगे, कहीं से भी लाके देंगे। अब कितनी बुराई करो इन दोस्तों की, छोड़ो जाने दो, जैसे भी है तो अपने दोस्ती ना झेल लेंगे जिंदगी भर, झेल लेंगे।